चल रहा है, कैमरे और जो भी आज हमारा दिन का पूरा सेक्शन था, फिंगरप्रिंट था, टच के ऊपर था, तो टच आपको सब पता है सप्लाई। फिंगरप्रिंट की सप्लाई की बात करें तो टच में कितनी सप्लाई आती है? पांच सप्लाई के बारे में पता है कितना वोल्टेज आना चाहिए, कितनी बिजली भी पता है, फिंगरप्रिंट भी। अच्छा ये जो आपने देखा है लाइव देखा है कि केवल स्कीमेटिक डायग्राम में देखा है? किसी को भी डायग्राम चलाने में डाउट है अभी? नहीं है तो ये देख सकते हैं हमारी ये लाइव क्लास है, हम यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। और एक यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है, अपना नाम कहाँ से हो? मेरा नाम दिनेश है, मैं हरियाणा से हूँ। क्या करने वाले हैं आप ही बताओ सर? अभी इस मोबाइल दिखाइए इसमें सर, जैसे कैमरा ओपन कर रहे हैं ना तो कैमरा चालू नहीं हो रहा है, एरर आएगा सर इसके अंदर। देख सकते हैं ये लाइव करने वाले हैं यहाँ पे, तो ये लाइव क्लास चल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो कैमरे का एरर है, तो ये आप खुद करने वाले हैं। भी तो आप देख सकते हैं डायग्राम, अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम समझ में आ रही सभी को? ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अगर हम उसकी बात करें प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है? चलिए तो यहाँ पे आप क्या क्या करेंगे सब चीज बताइए आप हमें सामने। सर अभी मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, उसके बाद बैटरी हटाने के बाद सर इस पे जो ड्यूल कोयल की सप्लाई आती है वो सीपीयू से आती है, हम कैमरे के कनेक्टर पे सारी सप्लाईयां पहले चेक करेंगे। ठीक है, आप दो चीज दिखाइएगा, इसमें रीडिंग दिखाइएगा और उसमें जब ये चेक करेंगे तो दिखाइएगा। चलिए चेक करिए, तो कैमरा निकाल लीजिए आप। थोड़ा सा और इधर लाइए, और नीचे करिए, और नीचे करिए, देखिए। तो समझाइए थोड़ा सा ऊपर, पहले बता दीजिए आप क्या क्या करने वाले हैं। सर पहले हम ये कैमरे के टिप्स है ना जितने भी सर, सभी के ऊपर सप्लाईयां चेक करेंगे। डायग्राम में भी आप देख सकते हो, भी देख सकते हैं कि डायग्राम में क्या चीज देखना है, जितने पिन पे अगर लाइनें दिख रही है क्या बोला गया है, जितने पिन पे लाइनें दिखाई दे रही है सब में क्या आना चाहिए? सर इन सब में जीआर आना चाहिए। ये जो हमारी सप्लाईयां दिख रही है इसमें हमें क्या मिलना चाहिए? जीआर मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या चेक कर रहे हैं सबसे पहले अभी? सर सबसे पहले सर ये ड्यूल कॉइल की सप्लाईयां चेक करेंगे, उसके बाद ये नीचे वाली जो नीचे वाली ये जो कौन सी पिन है हमारी, ये 14 नंबर की पिन है, यहाँ पे आप देखिए सर ये पावर एलडीओ से आती है सर, ये वोल्टेज की लाइन है हमारी। कौन सी लाइन है हमारी? वोल्टेज की लाइन, वोल्टेज की लाइन है। चेक करिए लाइन, ठीक है सर इस पे जी आ रहा है। आप अगर रीडिंग देख सको तो रीडिंग भी आ रही है हमारी, यहाँ पे रीडिंग आपको दिखाई दे रही होगी, आपको यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा होगा फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं सब पे आ रहा है। ठीक है, रीडिंग आ रहा है। ड्यूअल कॉइल हमारा सही है कि खराब है? सही है सर। सही है, अगर मान लीजिए सपोज एक ड्यूअल कॉइल पे रीडिंग आ रही है और एक ड्यूअल कॉइल पे नहीं आ रही, तो क्या करना होगा हमें? एक को करना है कि दोनों को करना है? दोनों ही, वो जो ड्यूअल कॉइल को निकाल करके दोनों को ही क्या करना होगा? जम्पर करना होगा। अब बताइए क्या दिक्कत आ रही है सर? अब जैसे सर मैंने टेस्टिंग करी है ना, 14 नंबर पिन है सर, इसके ऊपर जीआर नहीं है। 14 नंबर की पिन में आप देख सकते हैं ओएल आ रहा है, मतलब कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है। तो जब रीडिंग नहीं आ रहा है तो क्या हो गया है, लाइन हमारी ओपन हो गई है, वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो अगर आप प्रॉपर चाहे तो आप बना सकते हैं, तो इसमें आप क्या करने वाले हैं? सर अब हमें इस पिन से ट्रेसिंग करेंगे कि इसकी लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, ट्रेस करेंगे। अगर ट्रेस करने के बाद, क्योंकि वोल्टेज वाली लाइन है, तो और क्या कर सकते हैं इसमें सर? हम ट्रेस करेंगे सर, अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो सीरीज वाले कंपोनेंट ओपन हो गया है कोई ना कोई। हाँ, सीरीज कंपोनेंट ओपन हो गया है कोई ना कोई, जाहिर सी बात है। पर एक्टिवेट डायरेक्ट सोल्यूशन क्या करने वाले हैं आप? सर डायरेक्ट सोल्यूशन है सर, हम कहीं से भी 1.8 का जम्पर उठा के जो ओपन हुआ है सर उस पे। अच्छा, ट्रेसिंग की हम बात करें, क्योंकि हम फाइनल ट्रेसिंग करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। यहाँ पे जो हम दिखाना चाहते हैं डायरेक्ट सोल्यूशन, जो डायरेक्ट सोल्यूशन सब बोलते भी है डायरेक्ट सोल्यूशन, तो डायरेक्ट सोल्यूशन आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं उस वाले पिन पे? सर जम्पर लगा देंगे सर, बाईपास करने वाले हैं वहाँ पे, हम देखेंगे कि वहाँ पे बाईपास हमारा काम करता है कि नहीं। दिखाओ दिखाओ, लाइव करो आप जो भी कर रहे हो। तो यहाँ पे लाइव ये करने वाले हैं। अच्छा ये तो आपको नॉलेज है ना कि कौन सा वोल्टेज कहाँ से देना है, इधर दिखाई हमें कौन सा वोल्टेज कब और कहाँ से देना है, ये सारा चीज पता है आपको? एक्टिव वोल्टेज कैसा होता है, प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज पता है? ऐसा तो नहीं कि कहीं का वोल्टेज कहीं से उठा देते, एक्चुअल में कौन सा वोल्टेज कब देना है कहाँ से देना है ये आपको डिटेलिंग पता है कि नहीं पता है? चलिए ठीक है, तो आप यहाँ पे लाइव देखिए, लाइव यहाँ पे हमारा काम चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि हम कोई भी बाद में काम करा रहे हैं, आप
आप यहाँ पे देखिए लाइव काम करा रहे हैं कि हम कहाँ से किस सेक्शन से कैसा वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो सेक्शन से आप वोल्टेज दे रहे हैं ऐसा तो नहीं शॉर्ट वर्ट हो जाए? नहीं सर, ये आपको पता है सारी चीजें, सीरीज पैरेलल पता है आपको? बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये लाइव आप देख रहे हैं, लाइव काम करा रहे हैं अपने स्टूडेंट से। ये ऐसा तो नहीं कि अभी पहले कर चुके थे दोबारा वीडियो में आप ऐसा कर रहे हैं? नहीं सर ऐसा लाइव। अच्छा इधर दिखाइए, ये ऐसा तो नहीं कि लाइव कर चुके थे पहले? लाइव ही कर रहे हैं ना ये, देखते हैं काम होता है कि नहीं होता है। कोई बात नहीं, चलता है। चलिए, तो ये हमने देख सकते हैं इन्होंने सोल्यूशन कर दिया है। अब ये सोल्यूशन आपको इन्होंने बाईपास किया हुआ है, अब देखते हैं कि काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, लगाइए, ऑन करिए कैमरा, कैमरा लगा दीजिए। तो थोड़ा पास में आके दिखाइएगा सारी चीजें। अभी हम लाइव ही कर रहे हैं कि ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है। चलिए फोन ऑन कर रहे हैं, एंड्रॉइड बूटिंग। अगर आप कहीं पे अगर गलत जम्पर कर देते हैं, गलत दे देते हैं, वोल्टेज बाईपास कर देते हैं, तो क्या क्या हो सकता है? मोबाइल शॉर्ट हो सकता है ना। तो सप्लाईर का नॉलेज होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बताया नहीं कि कहाँ से क्या जम्पर किया हुआ है, हमने बाईपास किया है, पर सही बाईपास किया है कि गलत बाईपास किया इन्होंने? अगर आप गलत कर देते हो क्या हो जाता है? फोन डेड हो सकता है। फोन ऑन हो रहा है, हमने वीडियो में कोई भी स्किप नहीं किया है, जो भी है लाइव कर रहे हैं, कोई वीडियो स्किप कर रहे हैं क्या? ठीक तो ये फोन ऑन हो गया है। अब देखिए फोन हमारा ऑन हो गया है, अब इसका कैमरा चालू करिए, टच टूटा हुआ है वहां पे, कोई बात नहीं, अच्छे से टच करिए, टच एक बार लॉक करिए। हाँ कैमरा उसी को ऑन कर दीजिए ना, ऑन हो जाता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, लॉक करिए और साइड से इंस्टॉल वो कर दीजिए, कैमरा ऑन हो जाए, क्योंकि टच नहीं काम कर रहा वहां पे। अब अनलॉक करिए, यहां से कैमरा खुल जाएगा, साइड करिए, राइट साइड, हाँ करिए। अच्छा ठीक है, अनलॉक हो गया, ये देखिए लाइव दिखाइए, ये देखिए। तो ऐसा तो नहीं है फेक वीडियो है, आपके सामने लाइव किया पे? तो क्या मिसिंग थी वहां पे? हमारी वोल्टेज लाइन क्या हो गई थी? हमने बाईपास किया लाइव। तो आप ही बताइए, आपने सही किया है कि झूठ फेक वीडियो है? नहीं सर सही है, साइड वीडियो है, ओरिजिनल है। या खुद ही ने काम किया कि ऐसा कुछ आपको हेल्प किया? नहीं सर खुद ने किया सर मैंने। तो ये आप देख सकते हो कैमरा एरर आपके सामने लाइव है। तो इंडिया का नंबर वन स्ट्रीट कौन है? है कि नहीं है? वाकई में भी आवाज नहीं है, मुझे लग नहीं रहा सेक्शन आप सीख नहीं पाए हो। तो क्या नहीं सीख पाए क्या? इंडिया का नंबर वन स्ट्रीट कौन है? ऐसा लग रहा है कि हाँ। तो एक छोटा सा लास्ट में, कैसा रहा ओवरऑल क्लास आप बताओ? सर बहुत अच्छी क्लास है सर ने, सर कैमरे की जितनी भी सप्लाई होती है सर सबके बारे में डीपली नॉलेज दिया, कितनी वोल्ट आएगी, कितना जी आर आएगा, कौन सी सप्लाई कहाँ कहाँ जाएगी। अगर हम टच की बात करें तो टच जो भी हमने अभी सेक्शन किया है उसमें कोई दिक्कत है आपको? चलिए थैंक यू सो मच।